अक्षरा सिंह पर फिर हुआ जानलेवा हमला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल अक्षरा सिंह अपने कुछ काम के लिए ही एकता नगर गई हुई थी। एकता नगर में कुछ संदिग्धों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही कुछ संदिग्धों ने घेर लिया, अचानक से अक्षरा सिंह घबरा गई। लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, जिससे कि अक्षरा सिंह के जान में जान आई और उन्होंने वहां से तुरंत पुलिस की मदद ली। कुछ तो पुलिस को देखते ही भाग गए और कुछ जो थे वो पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। जब उनसे पकड़ा गया और पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, तब पता चला कि अक्षरा सिंह पर जो पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई थी वो इसी से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अक्षरा सिंह पे जो सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का यूज़ किया गया था वो इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने एक लंबी पूछताछ अक्षरा सिंह से भी की और पुलिस ने एक लंबी पूछताछ इन संदिग्धों से भी की है। अभी तक वो संदिग्ध पुलिस के हिरासत में है और अक्षरा सिंह को पुलिस वालों ने अपने प्रोटेक्शन के साथ उन्हें उनके घर छोड़ दिया है। अगर वहां पर पुलिस न होती तो कल अक्षरा सिंह के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इस घटना से साफ पता चलता है कि अक्षरा सिंह पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों पवन सिंह पर आरोप पे आरोप लगाए थे, उसे देखकर ये लगता है कि कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो इसलिए अक्षरा सिंह को अपनी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। आपको यहाँ ये बता दें, अभी ये पूरा मामला पुलिस के निरीक्षण में है। भोजपुरी रेत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।